अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये है कि रांची जिला अंतर्गत इटकी में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का भवन निर्माण किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के द्वारा मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, आप मेरे प्रश्न के खंड दो में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में भवन बनकर तैयार है मगर हस्तांतरित नहीं हो पाई है। तो इसमें पूरक मेरा यही है अध्यक्ष महोदय, सरकार मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये हस्तांतरित होने वाली है। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय प्रतिनिधि आए थे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। इस दरमियान पता चला कि बायो लैब बनाना है और केंद्र सरकार से 2.5 करोड़ रुपीज केंद्र को आवंटित करना है राज्य सरकार को। अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें सरकार ने कोई पत्रचार किया है केंद्र सरकार को तो वो पत्र मुझे उपलब्ध कराने का जरूरत करेंगे। और साथ ही तीसरी पॉइंट ये है, एक बार सुन लीजिए नेहा जी, एक बार माननीय मंत्री जी से सुन लीजिए, फिर आप पूरक करिएगा, उत्तर सुन लीजिए मंत्री जी। ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये पूरा केंद्र प्रायोजित योजना है अध्यक्ष महोदय, और सारी चीजों का काम केवल हमने जमीन देने का काम किया है अध्यक्ष महोदय, बाद बाकी ये केंद्र प्रायोजित योजना है और वो क्रियान्वयन भी उसी की एजेंसी कर रही है अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई राज्य सरकार को कोई बहुत इसमें लेना देना नहीं है अध्यक्ष महोदय। पूछिए अध्यक्ष महोदय, चिंता तो मेरा यही है जब राज्य सरकार बोलती है किसी भी परियोजना में कि केवल मेरा इसमें जमीन देने का मामला है, तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज जस्ट लिमिटेटिंग इटसेल्फ। अगर आपने जमीन दिया है अध्यक्ष महोदय, तो कुछ परियोजना जो आपके पास आता है उसमें आपका भी अप्रूवल होता है, तभी केंद्र सरकार वहां पे काम करती है। आज ठेकेदारी के चक्कर में अध्यक्ष महोदय, बस हम लोग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। आप हमारे मांडर क्षेत्र में देख लीजिए, लापुंग में इतना एकड़ जमीन हमने दिया सोलर प्लांट के लिए, अभी केंद्र बोलता है कि नहीं, हम लोग ने अपना स्ट्रक्चर लगा दिया है, बिजली विभाग कनेक्शन देगा, बिजली विभाग बोलता है नहीं, केंद्र का स्ट्रक्चर है वो देगा। तो अध्यक्ष महोदय, रिसोर्स तो जा रहा है ना राज्य सरकार की, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ बाय जस्ट सेइंग कि हम लोगों ने जमीन दे दिया है और अब केंद्र के इसमें। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि कम से कम राज्य सरकार को अपने तरफ से एक मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, फॉलो अप मैकेनिज्म, ताकि जो योजनाएं केंद्र से आ रही है उसका कंप्लीशन लूप को क्लोजर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये बात इस सरकार की या इस सरकार की नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो पूरे झारखंड राज्य में ये एक पैटर्न बन गया है, ट्रेंड बन गया है, केवल ठेकेदारी के नाम पे स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनाना। कैपिटल आउटले में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या ये है? माननीय सदस्य, आप पूरक पर आइए, पूरक पर आप उस... पूरक मेरा यही अध्यक्ष महोदय, पूरक मेरा साफ साफ है, मुझे मुझे बता दे कि राज्य सरकार की कब तक हस्तांतरित होने वाला है। दूसरा चीज, अगर इसमें प्रोजेक्ट आया है केंद्र सरकार से, तो उसमें राज्य सरकार ने अभी तक क्या पत्रचार किए हैं, वो पत्रचार मुझे उपलब्ध करा दे। 2016 का बात है अध्यक्ष महोदय, 2023 हो गया, बिल्डिंग खड़ा है, वहां जहां कहीं पे बिल्डिंग बनता है तो रोजगार का लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ तो स्टेट के लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, जमीन देते हैं, तो चिंता तो यही है बस। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो है सवाल से हट के लंबी चौड़ी व्याख्या की गई है, मूल सवाल यह है अध्यक्ष महोदय कि ये पूरी योजना परियोजना केंद्र द्वारा संचालित भी की जानी है और उसका निष्पादन भी उसी के माध्यम से होना है और ये काम भी उसी की एजेंसी को करना है अध्यक्ष महोदय, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई बहुत इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसमें जो है, फिर भी यदि माननीय सदस्य की इच्छा है तो हम लोग उनको वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए विभाग के द्वारा पत्रचार कर दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय, और यथाउचित पत्रचार करके यथाउचित इनको जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। साथ साथ केंद्र के साथ भी पत्रचार कर लीजिए अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य का जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को समझते वो सारी चीजों को केंद्रों के साथ भी थोड़ा सा एक पत्रचार, सारी चीजों को सदन के इस सवाल के को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों का
उनको भेजकर और माननीय सदस्य की जो भावना है उसको भी उसमें दृष्टिगत करते हुए इनको अवगत करा दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। ठीक है। दूसरा